नमस्कार, आप देख रहे हैं SN7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह। आपको बताते चलें, आज हमारी टीम अपने सर्वे के अनुसार पहुंची है त्योड़ी 13 विस्सा में। आपको बताते चलें, यहां पर प्रधान को चौथा साल लग चुका है, 3 साल पूरे हो चुके हैं। और इसके लिए हमने जनता से पूछा जाना, तो जनता जो है काफ़ी संतुष्ट दिखाई दी, क्योंकि कोशिश की कि प्रधान के द्वारा यहाँ पर 3 सालों में कितने विकास कार्य हुए। वहीं जनता का साफ कहना है कि यहाँ पर वे जनता जो है वो प्रधान के काम से संतुष्ट है। और लगभग अगर आपको परसेंटेज की बात करें तो 80 या 85 लोग यहाँ पर प्रधान जी से संतुष्ट दिखाई दिए हैं। अब सच्चाई हम खुद प्रधान जी से जान लेते हैं कि उन्होंने अपने 3 साल में यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य किए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत आपको बधाई कि आपके 3 साल बहुत अच्छे तरह से गुजरे और जनता का सहयोग मिला। जी। अब सवाल मेरा कहना ये है, आपके यहाँ शौचालय कितने बनाए गए? हमारे यहाँ 193 शौचालय बनाए हमने, 193 शौचालय। तो अभी तो चल रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, बिल्कुल उससे बनवाए हैं, मतलब सब में टैल रंग रोगन हाँ सब बढ़िया बरत रहे हैं। उन लोगों के बने हैं जिन्हें जरूरत थी, जो लाभार्थी हाँ तो वो चलावेंगे जिन्हें जरूरत थी। तो जो मोदी जी का मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, तो वो यहाँ पर पूरा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पूरा सफाई के आपने देखा होगा गाँव कितना सफा पड़ा है और सारा मिशन बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो आपने हमारा पंचायत घर देखा, स्कूल देखो मेरे प्राइमरी, अभी एक सेट वो बना है 500 शौचालय का है, तो कितना बढ़िया। उसमें इंग्लिश सीट भी है, 140 में इंग्लिश भी है और फ्लैश सब टैल वैल। ऐसी आदमी घर में टैल नहीं लगा सकता जैसी वहाँ लगी हुई है। आप उसमें जूनियर हाई स्कूल में प्राइमरी भी मेरा ऐसा ही है, मेरी आंगनबाड़ी देखी होगी आपने, मतलब जो चीज़ है बहुत उमदा बढ़िया और सीसी खरंजे इंटरलॉक ये सब मेरा गांव इस टाइम बहुत बढ़िया है। हाँ। जनता का यहाँ पर पूरा सपोर्ट मिला। हाँ। अच्छा प्रधान जी, एक जो समस्या आती है वो आती है लाइट, सोलर लाइट कितनी लगाई गई? सोलर लाइट तो जो थी हमने कुछ उस नेड़ा से लगी हुई थी, कोई हमने 20-25 सोलर लाइट चौराहे पर लगाई है, कब्रिस्तान में लगाई है, हाँ वो खुम्बे पर लगाई है, 160 लगाई है, 160। इसके अलावा हैंडपंप वगैरह? हैंडपंप की हमने मरम्मत और जो रिबोर हुए हैं, वैसे तो हैंडपंप हमें वो नहीं है राइट, उसका रिपेयरिंग और क्या नाम है रिबोर का वो है वो लगाई हमने, जो खराब हो जा। अब मेरे नल जो है यहाँ 100 कुछ है वो चालू है, क्योंकि तुरंत सर्विस है, पहले जल निगम में रह रहे थे तो इससे ये फायदा हुआ जो जब से प्रधानों को दिया गया कि एक नल आज खराब हुआ कल को मिस्त्री भेज के सही हुआ, पहले जल निगम में भेजा कर रहे थे। जब चौथे साल की योजना चली है, अपनी योजना में क्या विकास कार्य डाले हैं? नहीं, अभी मेरा काम 10 साल का काम बिगड़ा पड़ा था, ऐसा था पीछे 10 साल में कुछ नहीं हुआ मेरे गाँव में काम। हमने बनते के साथ ही तो बाउंड्री बनवाई सारे कब्रिस्तानों की और पेड़ पौधे ये लगाए, खरंजे जहाँ अभी बाईपास निकला ये बनवाया, ये गवर्नमेंट ने बनवाया, हमने इसे अप्लाई करी मेहनत करी, हाँ वो बन गया। फिर बड़ा एक कोई 40 फुट चौड़ा 217-20 मीटर लंबा गांव का रास्ता था, वो इंटरलॉक लगाई है और उसके बराबर में जो गली आती गई वो भी, मतलब गांव आज कुल मिला के जहाँ जहाँ अभी 3 खरंजे ऐसे बच रहे हैं जहाँ ईंट नहीं लगी हुई अभी तक, वे लगाने हैं। तो भी आपकी योजना? हाँ, वो ये इस योजना में है। और एक नमाज पढ़ने की, जनाजा नमाज पढ़ने की दीवार बनवानी है जहाँ नमाज होती है, वो जो जनाजा ले के जाके फिर नमाज होती है फिर कब्रिस्तान में जाते हैं, उसमें इंटरलॉकिंग और वो करवानी है, और जो बाकी खरंजे पड़े हुए हैं उन्हें सही कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर आपने देखा प्रधान जी के द्वारा यहाँ पर काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, इतने विकास कार्य पिछले 2 योजना में नहीं हुए जितने प्रधान जी ने यहाँ पर 3-3.5 साल में करा दिए हैं। जनता भी खुश है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है ग्राम प्रधान को, और उनका कहना भी है कि अगले साल जब चुनाव होंगे ग्राम प्रधान के तो शायद वो प्रधान को। जी जी जी, हम जनता के सर्वे के अनुसार ही बता रहे हैं कि जनता के साफ राय है कि शायद आने वाले प्रधान भी हमारे ग्राम प्रधान सजादा जी ही बने। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, SN7। राजनीति में आप हैं, दो योजना से पहले भी हैं,
तो क्या शुरू से मेरा नहीं ऐसा है, हमने सेवा करी है अपने गांव की, हमारे पुरखों ने करी है। मेरे दादा रहे, दादा पहले सरपंच थी, सरपंच रहे और 1968 में हमारे दादा एमएलए बने बीकेडी से डिप्टी शेर अली, तो वो डिप्टी भी रहे, एसपी रहे थे, सीओ थे, फिर एसपी हो गए, फिर चुनाव लड़ा उन्होंने, और फिर दादी भी, दादा भी, फिर 95 में मैं बीडीसी बन गया। हाँ, बीडीसी बन गई, महिला ही सीट थी, और फिर क्या नाम है, 2000 में प्रधान बने, फिर दो पीरियड हार गए, फिर 2000 में फिर जनता ने देखा कि भाई यार ये तो यही ठीक है, हाँ कुछ कार्य नहीं हुआ, ना उन्हें अनुभव था प्रधान जी को, ना कुछ करा उन्होंने, फिर जनता ने हमें मौका दिया, तो अब फिर हमने खिदमत करी है, तो हमें जनता ही का आशीर्वाद है, जनता की सेवा करें, जनता ही का सब कुछ मामला है, जनता की खिदमत करते हैं, जनता की सेवा हर चीज़ से, पेंशन, मरना, गिनना, शादी, बिया। अब मेरे भारत गैस एजेंसी है, हमने तो 2014 में लगी, तो अब जैसे किसी की शादी है उसमें कन्यादान, क्या नाम है, अपने धोरे से ही उसे, हाँ बेटी समझ के अपनी कन्यादान, अपनी तरफ से कोई वो नहीं, ये मेरा अपना लक्ष्य है। किसी के भी शादी होगी जिसने कह दिया, बहुत से गांव में ऐसे भी हो ना भी कहते तो उनसे कह नहीं, मगर जिसने यूँ कह दिया उसे सिलेंडर और चूल्हा मेरी तरफ से, ये बात है, दादा बाबा से यूँ सेवा करते रहे, इसके जितनी सेवा करोगे, पब्लिक है, लोकतंत्र है, सेवा करने के लग छोड़ दोगे तो पब्लिक हटा देगी, सेवा करोगे तो यूँ, आप तो घूमे हैं, गली गली घूमे हो तो क्या, नहीं तो यूँ ना कहते, कहने आज मेरा गांव चमक रहा है, चमक रहा है और जनता भी खुश है, आपके कार्यों से जनता भी खुश है। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी बड़ी बात आपको बता दूं, ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है कि यहाँ पर किसी बेटे की शादी होती है तो प्रधान जी की तरफ से उसे एक सिलेंडर और एक चूल्हा यहाँ पर उस बेटे को कन्यादान के रूप में दिया जाता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गरीब लोगों को सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते, इतने पैसे भी उनके पास नहीं होते, लेकिन यहाँ ग्राम प्रधान की ओर से बड़ी उनकी मदद यहाँ पर की जाती है। अपनी तरफ से पर्सनल से एक सिलेंडर और एक चूल्हा दिया जाएगा। मैं कहूँ संजय के साथ अजीत सिंह आयसन सर, 13वीं समय, और आपको दिखा दूँ, ये आप देखिए, सीधी मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। अगर 3 साल पहले की बात करें तो 3 साल पहले इसके अंदर पानी भरा रहता था, बहुत कीचड़ थी, मट्टी थी, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती थी, और अब 3 साल बाद के बाद ये देखिए कितना बदलाव आ चुका है। ग्राम प्रधान ने सीधा इसको एक इंग्लिश मीडियम के स्तर के लेवल का स्कूल यहाँ पर बना दिया। जी प्रधान जी बताइए, 3 साल पहले कैसा था? यहाँ तो मतलब मट्टी इसका भराव करा, सारी टूटी हुई थी, सारी लाइटिंग ये फ्रेश बढ़िया, टेल वेल लगवाया, इंटरलॉक लगवाया, पंखे लगाए सारे, हाँ फर्नीचर भी सारे, में पहले मेरे बच्चे नीचे बैठते थे, फर्श टूटा हुआ था, ऑफिस में टेल लगवाई है, किचन एक देखो मेरी कितनी बढ़िया हो रही है, सारी सारी सुविधा, नल, समरसेबल, टंकी, पानी, सारी चीज़ बढ़िया है। तो यहाँ पर आपने देखा सभी चीज़ की यहाँ पर सुविधा बच्चों को मिल रही है, और अब आपको लेके चलते हैं सीधे यहाँ के इंटर कॉलेज में। जी अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ का, जब मैं आपको रास्ता दिखा दूँ, ये रास्ता देखिए, ये टाइलें कितनी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं, महंगी टाइलें लगी हुई हैं, कलरफुल टाइलें लगी हुई हैं, और मैं आपको बता दूँ, ये आप सीधा ये बाउंड्री जो कब्रिस्तान की आप देख रहे हैं, ये भी ग्राम प्रधान सहजादे जो पति हैं, ग्राम प्रधान पति सहजादा जी, उनके द्वारा यहाँ पर की गई है। और मैं एक नाला मैं आपको और दिखा दूँ, जो 216 मीटर का यहाँ पर नाला बताया जा रहा है, ये भी नाला ग्राम प्रधान के द्वारा ही बनाया गया है, जिससे पानी भरने की स्थिति यहाँ पर समस्या जो थी, बहुत बड़ी समस्या थी, उसमें राहत मिली। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी भरा जाता था। जी आइए प्रधान जी सच बताएंगे जरा। जी प्रधान जी, यहाँ की स्थिति ये थी, गाँव वालों को बहुत बड़ी परेशानी थी, यहाँ को निकला ही नहीं जावे था गाड़ी, एक तो यहाँ पानी का साधन नहीं था निकलने का, तो रास्ता कैसा सारा भरा रहे था, और ये क्या नाम है 40 फुट है ये चौड़ा 216 मीटर है ये लंबा, वहाँ तक है ये मदरसे के गेट तक, जो ये हमने इंटरलॉक मट्टी भराव करा, इसका 1 मीटर भराव, 4 फुट गहरा भराव करका इसमें, हाँ मट्टी डलवाई, और फिर क्या नाम है रोड़ा, फिर रेत, और फिर जब इंटरलॉक हमने लगा, तो मैं बहुत ही उमदा रास्ता हुआ ये। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ के लोग जब यहाँ से रास्ते पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो अंदर दिल से जी कुछ लोगों से पूछते हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसा उन्हें बदलाव नजर आ रहा है। जी आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम मुकाब है जी। पहले क्या स्थिति थी यहाँ पर? यहाँ तो बहुत खराब रास्ता था जी पहले,
बहुत खराब था। मतलब बढ़िया लगता है जी, अच्छा लगता है। अब तो प्रधान ने बढ़िया करवा दिया। तो किसको प्रधान चुनना चाहेंगे? प्रधान तो हमने सहजादे को चुनेंगे जी, प्रधान को चुनेंगे। हाँ, संतुष्ट हैं के काम? हाँ जी, बढ़िया है। और भी एक भैया खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जी। भाई साहब, साजिद, पहले कैसा रास्ता था ये, मतलब क्या दिक्कत होती थी? इसमें बहुत गारा थी, निकला ही नहीं जाता था, यहाँ को बुग्गी भी नहीं निकला करी थी अब, लेकिन अच्छा है। आपको मतलब दिल से धन्यवाद निकलता होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता काफी संतुष्ट दिखाई दे रही है, और एक बुजुर्ग, एक हमारे साथ बुजुर्ग और जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में अब उन्हें कैसा लगता है इस रास्ते पर चलते हुए। जी, जी। हाँ जी, क्या नाम आपका? अजमुद्दीन। जब रास्ते पर आप चलते हो, सुबह निकलते हो, हाँ, तो पहले मरब में क्या अंतर आया है? पहले को इतनी गारा पानी, और आज ये है रोड चिकना। चिकना और चाहे तो बैठ भी सकते हैं। बैठे हम तो कुर्सी वही बिछावे हैं, वही बैठे हैं। अच्छा भी लगता होगा, आंखों को भी अच्छा लगता है, देखने में चलने भी अच्छा लगता है। हाँ जी, पानी की समस्या जो थी, हाँ, जल भराव जी सब खत्म हो गई। तो अब दोबारा करनी तो उस खुदरा की, उस कुदरत की है। और यू जो ये बंदा खड़ा ना, इसकी मेहरबानी है आज, यहाँ इसकी मेहरबानी। तो और जी मैं जानना चाहूंगा, अब एक डेढ़ साल बाद प्रधान के चुनाव होंगे। हाँ जी, तो आप किसको प्रधान चुनना चाहेंगे दोबारा? हमारा तो यू है ही, हाँ, इसे कौन मिटाने वाला अल्लाह के। तो जी, तो यहाँ पर 90% लोग बना है, काफी चौड़ा रास्ता है, और इसके लगते हुए जो भी गली गई हुई है अंदर, वो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, वो गली भी लगा दी गई है, और वो भी अच्छी मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है, और लोगों को काफी यहाँ पर सुविधा मिली है, चलने की और आने जाने की बहुत ज्यादा यहाँ पर सुविधा मिली है। आइए, यहाँ के जो लोग रहते हैं उनसे हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप बाबू जी, क्या नाम है आपका? कलवा जी। ये रास्ता बना आपको कब बना रास्ता? ये अभी बना है। तो पहले कैसा था रास्ता? ये कच्चा है। तो अब आपको कैसा लगता है? हर किसी के मुंह से यही बात सुननी जा रही है कि अगर दोबारा चुनाव हो यहाँ पर, अगले साल जब चुनाव होंगे, तो यहाँ पर शहजादा जी का पक्ष इतना मजबूत हो चुका है कि जनता उनके समर्थन में, और समर्थन में हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर विकास कार्य देखते ही बनते हैं, लगातार यहाँ पर विकास कार्य जारी है। हम त्योड़ी 13 बीस में, और आपको बता दूं, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं चौराहा है, ये चौराहा जो था, अगर हम बात करें कुछ दिन पहले की, तो यहाँ पर पानी भरा जाता था, बहुत ज़्यादा खांचा होता था, यहाँ पर कीचड़ होती थी। हम लोगों से जानते हैं जो यहाँ के लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? तस्लीम। कैसे तो जी, यहाँ तो बहुत गारा रही है, यहाँ तो कुछ मामला इतना ख़राब तो बहुत ज़्यादा है। तो शहजादे ने यहाँ इतना काम कर दिया है तोड़ी में, बल्ले बल्ले एक तरफा मामला है यहाँ का काम के बारे में। दोबारा बहुत बढ़िया ऑटो से जी, काम के बारे में पूरा गाँव खुश है। और जहाँ खड़े हो यहाँ तो इतना था, डंपर चलाए, इतनी मट्टी ढोई है कुछ ठिकाने नहीं, गांव से कोई पैसा नहीं लिया मिट्टी का अपने धोने से। प्रधान से ज्यादा एक तरफा है। तो यहाँ पर जनता की राय आपने साफ देखी, जिधर भी देखें लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर जो शहजादा प्रधान है उनके द्वारा सारे विकास कार्य बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। अभी भी बने हुए हम तोड़ी 13 बिस्सा में, और मैं आपको दिखा दूं, शिक्षा का महत्व हर किसी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, और हम शिक्षा के मंदिर में जो त्योड़ी 13 बिस्सा का इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज त्योड़ी, विकास क्षेत्र भोजपुर गाजियाबाद में है, हम पहुंच चुके हैं, और आइए आपको दिखाते हैं स्कूल के अंदर चलकर, हम आपको खुद दिखाते हैं कि कितना बढ़िया स्कूल यहाँ पर बनाया गया है, और कितने अच्छे तरह से मेंटेन ये किया गया है। ये देखिए आप, कितने साफ सुथरा है, साफ सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है। और मैं आपको दिखा दूं, वो सामने आंगनवाड़ी आप देख रहे होंगे, वो सीधी आंगनवाड़ी जो है प्रधान जी के द्वारा ही बनाई गई है। सामने आप देख रहे हैं वो टंकी है, शौचालय बने हुए हैं, टाइलें लगी हुई हैं। इसके अलावा आप इधर देखें तो ये इंटर कॉलेज है, इसकी पूरी बिल्डिंग है, श्लोक लिखे हुए हैं, और लगातार यहाँ पर विकास कार्य, जो अगर हम पहले की बात करें तो पहले और अब में धरती आसमान का अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 3 साल पहले आते तो शायद ये आपको स्कूल नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ खंडर था, चारों तरफ झाड़ मिट्टी, बिल्डिंगें टूटी हुई। और अब हम आप यहाँ 3 साल बाद आए हैं, तो प्रधान जी को यहाँ पर सारा श्रेय ग्राम प्रधान पति को ही जाता है, उनके प्रयासों से ही आज ये स्कूल इतनी अच्छी स्थिति में पहुँचा है। जी आइए, प्रधान जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी प्रधान जी, जी बताइए, पहले कैसी थी? नहीं, पहले तो ये जो शासन ने दिया आते हैं तो बिल्कुल खड्डे और वो ही था,
क्या नाम है घास है वही शासन ने दिया, मेहनत करी तो ये बना पीछे उसमें 13-14 में ये बना। अब इसके वो तो बना के चले गए, देख रखा वो हम पे है, हमने अभी से मेंटेन कर रखा। हाँ ये हमारा जूनियर हाई स्कूल है, ये हमारी आंगन, ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स शौचालय है जो अभी हम आपको दिखलाएंगे, ये हमने अपने अब बनाया है, ये भराव करके शौचालय 5 का सेट ये है, 3 का इधर है, ये है, ये हमारा जूनियर हाई स्कूल है। हाँ तो प्रधान जी बच्चों की संख्या बढ़ी है यहाँ पर जब से आप यहाँ पर प्रधान बने? हाँ बच्चों की तो जी वो एक ये सब पहले फर्श भी नहीं था, कच्चा था, अब ये देखो ये सामने इंटरलॉक लगी हुई है, फर्श हुआ हुआ है, अभी तो इसमें काम और होगा। ये देखिए आप बिल्कुल यहाँ का लगातार विकास जारी है, और मैं आपको दिखा दूँ ये देखिए आप कितना साफ है यहाँ पर, आप साफ सफाई का विशेष ध्यान मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। डस्टबिन देखिए, डस्टबिन यहाँ पर लगाए गए हैं, कोई भी कूड़ा कचरा होता है वो डस्टबिन में जाता है, इधर उधर नहीं फेंका जाता। जो मोदी जी का मिशन चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन, वो यहाँ पर पूरी तरह से भरपूर तरीके से उसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और मैं आपको दिखा दूँ आंगनवाड़ी के हम बिल्कुल पास आ गए हैं, ये सामने जूनियर हाई स्कूल है, उसके अलावा आंगनवाड़ी तक पहुँच चुके हैं। और आपको बता दूँ ये शौचालय बने हुए हैं, देखिए कितनी अच्छी टाइल यहाँ पर, इतनी महंगी टाइल यहाँ पर लगाई गई है और पत्थर भी, एक शहर में भी आपको ऐसा स्कूल देखने को नहीं मिलेगा स्कूल प्योरी 13 मिनट गाँव में, गाजियाबाद का एक गाँव है। शौचालय लगे हुए हैं, कितने अच्छे शौचालय यहाँ पर बनाए गए हैं, फ्लैक्स भी लगी हुई है यहाँ पर, और आप सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइल भी काफी महंगी लगी हुई है, अच्छी क्वालिटी की टाइल भी लगी हुई है, और लगातार ये देखिए हम प्योड़ी 13 मिस्ता के गांव में है, जूनियर स्कूल है, और वहाँ पर शौचालय दिखाऊंगा जो आम लोगों जो है, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली में भी इस तरह के शौचालय नहीं होते। ये देखिए ये सीधा शौचालय आप देख रहे हैं जूनियर स्कूल का है, ये देखिए ये है जूनियर हाई स्कूल तोड़े 13 मिस्ता का, यहाँ पर इंग्लिश सीट लगाई गई है, ये फ्लैश है, यहाँ से फ्लैश चलती है, टंकी भी लगी हुई है, दो दो टंकी लगी हुई है, तो यहाँ पर जो बच्चे दिव्यांग हैं या वो असमर्थ हैं उनके लिए यहाँ पर कितनी सुविधाएं राम प्रधान की ओर से दी गई है कि मेरे बच्चों से ज्यादा और क्या है। जी जी जी, और जो बच्चे हैं इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल स्कूल फर्नीचर पंखे जो ये आगे पढ़ लिख के भविष्य में और कुछ बने, IAS बने, अधिकारी बने, सीएल बने, गाँव का नाम रोशन हो, प्रधान का नाम रोशन हो, कि हमने ऐसे पढ़े, हमें ये सुविधा हमारे प्रधान ने उस टाइम पे हमें दे दी, जब ये अफसर बन गए ये चीज़ देखें तो आपको एहसान उनका हमेशा मानेंगे, और आपकी इज्जत और ग्राम प्रधान की जो एक वो उनका वो होता है दिल से, वो हमेशा आभार व्यक्त करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, कहा हमारा प्रधान तो जब हम जो ये ऊपर वाला इन्हें अफसर बना रहे पढ़ लिख के कामयाब हो, और जब अफसर बनेंगे तो ये सब चीज़ देखेंगे बिल्कुल, और ये कहेंगे कि हमने तो हमारे प्रधान ने तो ये चीज़ हमें जब दे दी थी जब हम छोटे जूनियर में जा रहे थे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर शौचालय देख कर हम भी बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि हमने भी काफ़ी खबरें बनाई हैं, लेकिन शौचालय हमने किसी ग्राम प्रधान या जूनियर स्कूल में नहीं देखा, और भी शौचालय में दिखा दूँ, और भी दूसरे हैं यहाँ पर शौचालय, ये भी देखिए ये यहाँ पर भी कैमरामैन से चाहूँगा एक बार अंदर आकर एक बार शौचालय दिखाए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये शौचालय है, और आप देख सकते हैं ये फ्लैश लगी हुई है यहाँ पर, और तो चलेगा ये काफ़ी महंगा, ये देखिए अगर हम उसकी बात करें तो अच्छा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है, लेकिन अनुपम के साथ रजिस्टिंग आए थे प्योरी 13 मिस्ता में, और आपको दिखा दूँ ये देखिए पंचायत घर पे हम पहुँच चुके हैं, ग्राम पंचायत घर ग्राम प्योरी 13 मिस्ता ग्राम प्रधान आयशा बायसोप चौधरी शहजादा, ये बिल्डिंग 3 साल पहले बिल्कुल खंडर थी, हम प्रधान जी से ही जानेंगे कि 3 साल पहले इसकी स्थिति क्या थी। जी प्रधान जी, जब मैं प्रधान बना जब मुझे तो बिल्कुल खंडर मिली। जी 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 जी, बताइए इसके बारे में। फिर इसमें सारा क्या नाम है, 4 दीवारी, गेट, अंदर, टैल,
और वैसी क्या नाम है वैसी वाली भी टाइल उसमें इंटरलॉक टाइल पंखे बिजली बढ़िया फर्नीचर फर्नीचर सब भी होती है तो यहाँ पर बहुत अच्छा हो चुका है आपके ग्राम पंचायत जो मतलब पंचायत घर आप देख सकते हैं साफ तरीके से बहुत अच्छा हो चुका है।